रात में सोने से पहले करें ये काम, चमक उठेगा भाग्य। नंबर एक, रात में जिस बिस्तर पर सोते हैं वह बिस्तर आरामदायक और आपकी पसंद का होना चाहिए। पसंद के बिस्तर पर सोने से मानसिक रूप से इसका प्रभाव पड़ता है और उस पर नींद अच्छी आती है। नंबर दो, अपने शयन कक्ष में सोने से पहले कपूर जलाकर सोएं। इसमें मौजूद तत्व वातावरण को शुद्ध करते हैं, साथ ही सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी और आप अपने आप को तनाव मुक्त महसूस करेंगे। नंबर तीन, आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं इस विषय पर रात में सोने से पहले जरूर सोचना चाहिए। ऐसा करने से आपके विचारों को सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और उसके पूरा होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। नंबर चार, हमेशा ध्यान रखें, सोते समय आपके पैर दरवाजे की तरफ नहीं होने चाहिए। ऐसा करने से सेहत और समृद्धि की हानि होती है। नंबर पाँच, रात में सोने से पहले पानी पीकर सोएं। कभी भी जूठे मुंह या बिना पैर धोए भी नहीं सोना चाहिए। टूटे हुए खाट या बेड पर भी सोने से बचना चाहिए। नंबर छः, हमेशा रात का भोजन सोने से दो घंटे पहले कर लेना चाहिए। कोशिश करें रात का भोजन सादा और हल्का हो। उसके बाद वज्रासन में बैठें, फिर भ्रामरी प्राणायाम और अंत में शवासन करते हुए सो जाना चाहिए। नंबर सात, रात को सोते हुए दूसरे कपड़े पहने, यानी कि जो कपड़े आपने दिन में पहन रखे हैं उनको सोते समय नहीं पहनना चाहिए। इसके साथ ये भी ध्यान रखें कि बिना कपड़ों के या निर्वस्त्र होकर भी ना सोएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी वास नहीं करती हैं। नंबर आठ, लोग अक्सर रात को सोने से पहले लाइट्स बंद कर देते हैं। रात को घर में पूरा अंधेरा हो तो माँ लक्ष्मी घर से चली जाती हैं। ऐसे में रात को कभी भी सोने से पहले सभी लाइट्स बंद ना करें। हो सके तो किसी जगह की एक लाइट जलाकर रखें। नंबर नौ, रात को सोने से पहले कभी भी पैसे नहीं गिनने चाहिए और ना ही हिसाब किताब करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि रात को पैसे गिनने से धन हानि होने लगती है। माँ लक्ष्मी भी नाराज होकर घर से चली जाती हैं। नंबर दस, शास्त्रों में दूध को संपन्नता की निशानी माना गया है। ऐसे में रात को सोने से पहले ये ध्यान रखें कि दूध के बर्तन को कभी भी खुला ना छोड़ें। दूध के बर्तन को हमेशा ढक कर ही रखना चाहिए। ऐसा ना करने पर धन की हानि होती है। नंबर 11, आजकल विभिन्न तरह के गैजेट्स का ज़माना है। लोग हमेशा अपने साथ मोबाइल फ़ोन रखते हैं। हालांकि सोने से पहले ये ध्यान रखें कि तकिए के आसपास किसी तरह का गैजेट या कोई नुकीली चीज़ ना हो। इसके साथ ही कोई बिजली का उपकरण भी नहीं होना चाहिए। इससे घर में निगेटिव एनर्जी का संचार होता है। नंबर 12, सोने से पहले नियमित रूप से अपने इष्ट देव का ध्यान करना चाहिए। उसके बाद रात में हमेशा बाईं करवट लेटना चाहिए। इससे पाचन क्रिया दुरुस्त रहती है और सेहत अच्छी रहती है। तो ये थे कुछ नियम जिन्हें फॉलो करके आप अपनी सेहत और किस्मत दोनों चमका सकते हैं। उम्मीद है आपके काम आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।